ब्लैकवुड मनोर का भूतिया रेवेंसवुड के नींद वाले शहर के मध्य में प्राचीन ओक और नुकीले देवदार के पेड़ों के बीच ब्लैकवुड मैनर खड़ा था, जो एक अंधेरे इतिहास के साथ एक भयानक और लंबे समय से परित्यक्त हवेली थी। स्थानीय लोगों ने रहस्यमय ढंग से गायब होने, खौफनाक भूतों और रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाली चीखों की कहानियां कानाफूसी की, जो रात भर गूंजती रहीं। ये एक डरावनी जगह थी, एक ऐसा घर जिसे समय ने भुला दिया था और एक हार्ड कंपा देने वाली कहानी के लिए एकदम सही सेटिंग थी। जैसे ही एमिली पूर्व निर्धारित हवेली के पास पहुंची, पेड़ों ने लंबी भयावह छाया डाली और हवा एक भयानक विलाप के साथ चिल्लाने लगी। वह अंदर चली गई। उसके कदम गुफाओं वाले हॉल में गूंज रहे थे। हवा में एक अलौकिक ठंडक थी और उसकी सांसें किसी भूतिया साया की तरह फैल रही थीं। अपने कैमरे को घुमाते हुए एमिली ने पहले कमरे का पता लगाया। इसकी दीवारें उखड़ते वॉलपेपर से ढकी हुई थीं, जो पीड़ा में डूबे हुए मुरझाए चेहरों से मिलती जुलती थीं। जैसे ही उसने अशुभ माहौल को कैद किया, उसकी टॉर्च टिमटिमा उठी। इसके बाद एमिली जीर्ण शीर्ण भोजन कक्ष में चली गई, जहां एक पुरानी सड़ी गली मेज धूमिल चांदी के बर्तनों के साथ रखी हुई थी, जैसे कि एक विचित्र भोज जल्दबाजी में छोड़ दिया गया हो। वह घर में जितनी गहराई तक घुसती, माहौल उतना ही अशांत होता जाता। हवा में अस्पष्ट शोर भर गया, दीवारों में फुसफुसाहट, दूर तक कदमों की आवाज और वर्णक्रमीय कराहें। फिर भी एमिली ने अलौकिकता के सबूत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर दबाव डाला। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर चरमराती हुई सीढ़ियां चढ़ी, तापमान गिर गया और उसकी सांसों से हवा में ठंडी सांसें बन गईं। वह धूल और मकड़ी के जालों से ढके एक कमरे में दाखिल हुई, जिसकी दीवारें भयानक आकृतियों की डरावनी पेंटिंग्स से सजी हुई थी। आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूं।